हेलो गाइस। तो गाइस अब निकल रहे हैं हम लोग अपने घर और काठमांडू को करते हैं बाय बाय। काठमांडू के अलावा हम करते हैं पूरे नेपाल को बाय बाय। तो देखते हैं कि यार अब हमारा सफ़र जो है, अब हम वापस घर जा रहे हैं और घर जाते हैं। घर जाने में अभी हमें 2 दिन लगभग लग जाएंगे। अभी यहाँ से जो है हमें सिनोली बॉर्डर जाना है और सिनोली बॉर्डर लगभग यहाँ से 260 किलोमीटर है। और जो टाइम अभी हो गया है वो टाइम हो गया है लगभग 4 बज रहे हैं और देखते हैं कि 4 बजे तक हम पहुंच पाते हैं नहीं पहुंच पाते। मतलब हमें जो शाम के, हमें आज सिनोली बॉर्डर किसी भी तरह इंडिया में एंट्री करनी है। और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है यार यहाँ का। ये काठमांडू का बहुत बहुत बिजी एरिया है यार ये काठमांडू का। यहाँ सबसे ज़्यादा ट्रैफिक दिख रहा है। और यहाँ से अब निकलते हैं हम अपने दिल्ली के लिए, अपने घर को रवाना होते हैं। और गाइस ये रास्ता जो है, ये रास्ता बड़ा बेहतरीन होने वाला है। अभी पता है यार कि कल हमारा जो है इतना गंदा रास्ता देखने को मिला है ना। सारा एरिया कंस्ट्रक्शन चल रहा था जिस वजह से हम लोग जो है काफ़ी लेट हो गए। काफ़ी गंदा रास्ता था जिस वजह से और अभी हमें डलवाना पेट्रोल। शायद मेरी बाइक भी अब झटके ले रही है। तो पेट्रोल ऐसा था कि यार हमें रात को ये था कि सुबह डलवा लेंगे और सुबह, और यार 280 किलोमीटर इस ट्रैफिक के हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि भाई नहीं हो पाएगा। गाइस देखो मंदिर, ये मंदिर भाई राम जी का मंदिर है क्या? मंदिर बहुत बढ़िया बढ़िया मंदिर है भाई, एक नंबर मंदिर। मंदिर भाई हिंदू मंदिर है लेकिन जैसे चाइनीज़ मंदिर होते ना, मतलब डिज़ाइन जो है वो चाइनीज़ टाइप का है। तो भगाए देखो बच्चे जो है अपने बस से ही हाथ वाथ जोड़ रहे हैं मंदिर की। हम लोग भी करते हैं बाइक पे चलते हुए अपना हाथ जोड़ते चलते हैं। बैठने को तैयारी ना कोई क्या कर रहा है। अरे भैया तो वैसे यार नेपाल बहुत बढ़िया जगह है, मज़ा आ गया घूमने में। यहाँ के लोग भी बढ़िया हैं, एक नंबर लोग हैं भाई, बढ़िया है। ये कोई मंदिर है गाइस, और इस मंदिर के आगे जो है हम लोग थोड़ा सा रोक लेते हैं, देखते हैं मंदिर कैसा है कैसा नहीं है। तो चले क्या मंदिर में? जा तो रहे हैं लोग, एंट्री कर रहे हैं वैसे तो। चलते हैं गाइस देखते हैं मंदिर के अंदर क्या है क्या नहीं है। मंदिर की एंट्री किधर से है? गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो गाइस आज जो है ना मैं एक मंदिर में आया हूँ। मतलब अभी रास्ते में घर जा रहा था, काठमांडू से अपना सिनोली बॉर्डर क्रॉस करने वाले था। तो यहाँ से सिनोली बॉर्डर वैसे 10-12 किलोमीटर होगा होगा। तो मैं एक मंदिर रुक गया, अभी मैं मंदिर का थोड़ा सा नज़ारा दिखाता हूँ, क्या बेहतरीन मंदिर है। ये हमारे यहाँ बागेश्वर धाम का शायद
ये भैया हनुमान जी की मूर्ति, बड़ा प्यारा सा मंदिर है। छोटा सा मंदिर बड़ा है, लेकिन मूर्ति बड़ी छोटी सी है, लेकिन बड़ी अच्छी है भाई। यह हो बजरंगबली। मंदिर सामने से कुछ ऐसा, मैं मंदिर देखने के लिए रुका था, जा ही रहा था, घर जा रहा हूँ वापसी। अब अच्छा अंदर यही 15 मिनट बाद खुलेगा अभी। मंदिर की कलाकारी देखो भाई, एक नंबर कलाकारी। ये एसी लगे हुए हैं और एसी का रंग भी मंदिर की शेप में ही कर दिया। फिलहाल भाई अभी मंदिर ना खुलने में अभी 15 मिनट बाकी है और मुझे थोड़ा सा जल्दी है। मेरे साथ के लोग शायद निकल गए हैं, काफ़ी आगे पहुंच गए होंगे, तो जिस वजह से मैं शायद ना रुकूं। वैसे मैंने टिकट ज़्यादा टिकट तो यहाँ का था, वैसे यहाँ पूरा टिकट ले लिया मंदिर का, लेकिन चलो कोई बात नहीं, फिलहाल जल्दी है। और शाम के टाइम ही मंदिर वगैरह तो सुबह और शाम के ही देखने लायक होते हैं, आरती वगैरह जब हो, वरना दिन में तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो भाई मंदिर कुछ इस तरह कैसे नज़ारा है मंदिर का, तो वीडियो पूरी देखना, वीडियो अच्छी लगे तो भाई उड़ा देना, इसे शेयर कर देना बजा के। चलो मिलते वीडियो में, बाय बाय। तो भाई समुद्र मंथन जो हुआ था उसका भी एक लास्ट आपको व्यू दिखाता हूँ। फिलहाल पीछे से कुछ ऐसा है, ये राक्षस थे, वे देवता थे, इनके सर पे टोपी ना होगी, उन देवताओं के सर पे मुकुट होता था। तो भाई ये है लास्ट का सीन इस मंदिर का, और ये रथ है, पता नहीं कौन से भगवान है, शायद कृष्ण जी होंगे,
और इसके पीछे मंदिर, भाई क्या व्यू है। पहाड़ खत्म हो गए लेकिन दोनों साइड चल रहे हैं। इधर बहुत अच्छी नदी है गाइस, वैसे बारिश अभी बंद हुई है ना तो मैंने गोप्रो लगाया। इधर बहुत मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ बहुत बढ़िया नदी है, अगर वो हमें रास्ते में अब दिखी तो हम उसकी वीडियो बनाएंगे। तो अब मतलब पहाड़ ख़त्म हो गए तो अब जो है ना नदी का स्पेस जो है वो काफ़ी, जो विड्थ है वो चौड़ाई जो है वो काफ़ी बड़ी हो गई, बढ़िया लग रही थी देखने में। ये नहीं है, सरकारी चेक घर आए, ये वसूली कर रहे दिखे है। पुलिस वाले भैया चलो भाई अब चलते हैं, हो गई हमारी फोटो फाटो, फिल्म फिल्म सी बना ली हमने जो कि बहुत है हमारे लिए। अब निकलते हैं भैया यहाँ से अपने घर को। अरे एक मिनट को एक चीज़ देख ले यार, सिंगल क्या हम खुद ट्राई भी नहीं करते, ये भी बेटर बात है फिलहाल। चलो कोई नहीं, तो भैया ये है कि यार इस तरीके से ना नेपाल में भाई अगर आप आ रहे हो ग्रुप बना के 10-12 लोग आ रहे हो तो यार इतना महंगा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा खाना पीना कैंपिंग वगैरह लेकर चलनी पड़े, मत आना। इन गायों की वजह से भाई रोड जाम हो गई गऊ माता की वजह से। तो भैया अभी तो दिन में सब लोग हम लोग हैं भाई, देख रहे हैं चल रहे हैं तो, लेकिन शायद यार DCM वाले ब्रेक नहीं मार पाते, प्रॉब्लम है उनके साथ भी। वो एकदम से पिकअप पीछे से ढला नीचे है और ऊपर अब चढ़ानी है तो वो फर्स्ट गियर में पिक प्रेशर के साथ जो है अपनी बाइक देंगे एक्सीलेटर के साथ, तो भाई दिक्कत है रोड। और वैसे भी जो इतनी देर से रोड खुन्नस में आ रहा हो ना तो भाई वो ऐसी रोड को देख के एकदम से भगाने की सोचता ही है। तो अभी फ़िलहाल ना शाम का अंधेरा होने वाला है और देखो सनोली बॉर्डर हम कब तक पहुँचते हैं यार। तो अभी कट का वेट कर रहे हैं, कट का वेट कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। भाई तो गाइस हमने नेपाल में अपनी कोने से कोने मिला दिए, एक कोने से दूसरा कोना जोड़ दिया अपनी मोटरसाइकिल से, और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं फाइनली अपने घर जा रहा हूँ अब। और मतलब हर मंदिर के दर्शन कर लिए, जगह जगह सारे मतलब नेपाल में सभी मंदिरों के दर्शन हो गए अच्छे से, और सफ़र बढ़िया रहा, ना कि इससे बकवास हुई, ना किसी से बहस हुई, ना हमारे कोई दिक्कत परेशानी आई किसी भी तरह की। मतलब हमारा जो राइड का ये था कि अच्छे से निकल जाए, वो निकल गई, निकल रही है अभी तक भगवान की दुआ से, अच्छा है कि भाई निकल जाए ठीक है। और दूसरा है कि भाई देखो क्या है ना, शौक अपन को क्या है ज़्यादा लंबी बाइक चलाने का है, भगाने का नहीं है शौक। मुझे तो भगाने का शौक बिल्कुल नहीं है, जहाँ मिलती है जो कंट्रोल कर सकते हैं उसी स्पीड पे चलो, और क्योंकि ये रोड भाई भगाने वाली तो है ही नहीं है ना, रोड तो आप देख ही रहोगे रोड कैसी है कैसी नहीं, तो रोड पे भगाने वाला तो सीन कहीं है ही नहीं। और रोड भी इस तरीके की है, सिंगल रोड है,
तो उसी हिसाब से चलो, बाकी बने रहो लाइन के साथ, रास्ते बीच में कुछ दिखता रहेगा तो दिखाते रहेंगे आपको। अभी ये कट आने वाला है सनोली बॉर्डर का, हमें पूछना पड़ेगा अब दोबारा, एक सेकंड पूछता हूँ उसी से सनोली बॉर्डर के लिए, सिनोली बॉर्डर के लिए, सिनोली बॉर्डर बहुत दूर है यार। कट है कोई आगे बाईपास के लिए? बाईपास के लिए आप अब यहाँ से जाइएगा तो अच्छा होगा, रास्ता अच्छा है। हाँ तो इधर यहीं से निकल जाए। अब यहाँ से जाएंगे तो भूमि भूमि चौक से हाँ हाँ भूमि भूमि कितनी दूर है? भूमि भूमि वही है आपका, लगभग 9 किलोमीटर है। सीधे इसी रोड पे ना? अच्छा, तो पराजी से एक ही बस मारो भाई राधा। थैंक यू भैया। तो भैया भैया ने रास्ता बता दिया, ये बार बार दो तीन जगह मैंने रास्ता इसलिए पूछ लिया क्योंकि यार अब मैं 2-4 किलोमीटर का पीछे की तरफ नहीं मुड़ना चाहता कि घूम कर जाऊँ, तो इसीलिए भाई रास्ता पता कर लो। बाकी रोड तो इतना बकवास आने वाला है ना कि अब आप रोड ही देखोगे। देखो आप रोड, अब लाइट जला दूं भैया। आंटी को भी सलाम करो, आंटी भी भाई ऑफ रोडिंग पे, वो भी स्कूटी, भाई स्कूटी तो मेरे पे चलती नहीं है, ऐसी रोड पे आंटी भी स्कूटी लेके निकल गई। और भाई ये इतनी कीचड़ हो रही है ना इस रोड पे, इतनी कीचड़ हो रही है इस रोड पे कि बाइक या कोई भी व्हीकल ना मतलब तेज चलाने पे तो स्लिप करेगा ही करेगा, लेकिन आंटी तो सुपरमैन भाई, आंटी दबा रही है खींच के। मैं तो मतलब फिर भी 20-25-30 की स्पीड पे चल रहा हूँ, आंटी पीछे से आ रही थी गोली चोट एकदम, और भैया निकालती हुई ले गई साए साए। चलो भैया, आंटी को आदत होगी। तो रोड कुछ इस तरह की है भाई, अभी बन रही है और बनते बनते ही बारिश हो जाती है, बारिश होने की वजह से कीचड़ हो जाती है, और कीचड़ हो जाती है तो भैया मूड हमारे जैसे बंदों का ख़राब हो जाता है। ये रोड सारी ऐसी है भाई, ऑफ रोडिंग ऑफ रोडिंग ऑफ रोडिंग, मतलब ऑफ रोडिंग का तो इतना एक्सपीरियंस हो गया है यहाँ कि मुझे लग रहा है कि शायद इंडिया में इतनी ऑफ रोडिंग नहीं होगी कहीं भी। भैया मैं तो चला इस वाले हत्ते पे, ले भैया ओहो, देखते हैं सूखा हुआ है या नहीं है, सूख तो रहा है। ले भैया खींचो खींचो थोड़ा सा, तो खींचो खेच हो गया, गड्ढे ही गड्ढे हैं, सूखने को तो सूख ही रही है। चलो कोई नहीं, जाएगा अपने साथ भी। आ ओ ओ ओ ओ गाइस, इतने इतने गड्ढे हैं ना इस रोड पे कि आपके पेट में तो दर्द होना ही होना है, और धूल लक्कड़ इतने कि आप कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो पुराने से तो हो ही जाओगे 2-4-10 मिनट के अंदर ही अंदर, क्योंकि जहाँ रोड है वहाँ धूल है, जहाँ कीचड़ है वहाँ भैया, जहाँ रोड ही नहीं है वहाँ कीचड़ है, तो ऐसा है कुछ मसला। अब देखो जरा सी आती है मतलब 100 मीटर की अच्छी रोड आएगी, बाकी वरना सब कबाड़ आएगा। ले भैया फिर दोबारा बारिश शुरू हो गई गाइस, दोबारा बारिश शुरू हो गई, और अब बारिश होते ही होते हमें अब GoPro फिर दोबारा बंद करके अंदर रखना पड़ेगा। चलो मिलते हैं गाइस। है और गाइस यहाँ जो है नेपाल बॉर्डर में हमारी जो है यहाँ से बाबाई करते हैं, और यहाँ से निकलने के बाद हमें
कुछ नहीं, डॉक्यूमेंटली शायद कुछ नहीं करना होगा, मुझे इसके बारे में पता भी नहीं। तो अभी यहाँ से मैं निकलता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार मैं पूछ लूँ, लेकिन यहाँ से निकलना है या नहीं निकलना है ये तो पता नहीं। रोड देखो यार, बताओ, ये एंट्री गेट है नेपाल बॉर्डर का, ये हालत हो रही है। अब मैं इसलिए बार बार कह रहा था कि यार देखो देखो देखो, ये नेपाल बॉर्डर का एंट्री गेट है, और पुलिस वाले जो शायद हमें फौज वाले भैया रोक ले, तो इसीलिए मैं यहाँ से निकलता हूँ। अब मैं पूछ लेता हूँ एक बार किसी से भी, बात नहीं है, काफ़ी अच्छी लोकेशंस है, और एक फ़ोटो हो जाए भाई। इस तरह की कुछ रास्ता है, और अब यहाँ से हम पार हो रहे हैं भाई। बसों में चेकिंग होती है, और कुत्ते वगैरह जो है घूमते हैं, और यहाँ से फिर हम तो साफ काफ़ी अच्छा था, और चेकिंग वगैरह हो रही थी भाई। हम निकल गए यहाँ से, अब यहाँ से तो गाइस फाइनली हम जो है अपना नेपाल का कंप्लीट कराए, और फाइनली हम नेपाल